एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसे कि हमारा पिछला लेक्चर था एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वहां पे हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था उस और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। हम अभी इस चैप्टर हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे हैं अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने डिस्टेंस पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, डिस्टेंस पढ़ा है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट था, उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया उसको डिस्टेंस कहा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल टू पॉइंट फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट किया। और एवरेज वेलोसिटी क्या गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज स्पीड की बात आई, तो एवरेज स्पीड के लिए हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एवरेज स्पीड कहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिस्टेंस है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई मान लो ये पाथ है, इस पाथ पे अगर हम कोई ट्रेवल करते हैं तो इस पे यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, जो ये ट्रेवल पाथ है इसको हमने क्या कहा था, डिस्टेंस कहा था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी किसी साइड की कभी किसी साइड, तो हमने इसको क्या कहा था, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कहा था। डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है क्योंकि इनिशियल से चलेगा और फाइनल पे पहुंचेगा, अगर इनिशियल से चलता है और फाइनल पे पहुंचता है तो उसकी एक डायरेक्शन है, दैट इज दिस। और अगर एक डायरेक्शन है किसी की तो हम उस क्वांटिटी को वेक्टर, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, आगे हमारे पास सब कुछ आएगा कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, उसकी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लो, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता वो स्केलर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो कितना है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहां पे हमने इसका देखा कि डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये भी क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। लेकिन डिस्टेंस किसका है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, स्पीड, तो ये क्या बन गई, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने यहां तक पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब इनका यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या समझते हैं कि हम जब मूव करते हैं हमारी एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डीवी बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने एक टेबल सी बना दी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते, बहुत आसान हो गया ये, बहुत सिंपल हो गया कि पूरा चैप्टर पांच पॉइंट में आ गया, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक दूसरे के रिलेशन क्या है। फिर हमने क्या किया कि इनके रिलेशन इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी हमारी, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस टू ए एस। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि हमने इन इक्वेशन को कैसे निकाला, ग्राफिकल मेथड से हमने निकाला है। वहां पे v, ये यहां पे v है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको हमने डिफाइन किया है v से, इनिशियल को, इनिशियल को हमने डिफाइन किया है u से, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। तो यहां पे बात होगी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी मेजर करते हैं, यहां पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है, तो ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, क्योंकि सम हम वेक्टर का ही कर पाएंगे, स्केलर के लिए अगर हम डायरेक्शन ही नहीं पता है तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इन इन तीनों इक्वेशन को लिया है।
जैसा कि हमने इन तीनों इक्वेशंस को लिया है, आप देख सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटेड है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रिलेटेड है एक्सेलरेशन से, इस रिलेशन से, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी डिस्टेंस से भी रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से भी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेटेड है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के साथ भी रिलेटेड है। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी नहीं दी गई है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो इस पे बहुत सी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती हैं, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम एक लेक्चर अलग से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने सीखा है कि तीन इक्वेशन है जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले भी सकते हैं। मान लो इनिशियल कोई कार है, हमारे पास कोई कार है, अगर कार कोई, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ये हमारे तीन इक्वेशंस हैं। अगर कोई कार है वो मूव करती है, अगर हमारी कार कोई मूव करती है, पहले वो किस पे थी, रेस्ट पे थी, रेस्ट से चलती है वो, और उसकी स्पीड हो जाती है टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो चलती है, ठीक है, पहले जीरो थी। इसका मतलब हम यहां से कुछ फैक्टर, हमें क्या चाहिए, कोई पूछता है एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, अगर कोई एक्सेलरेशन पूछे तो हम कैसे निकालेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम है और फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू इनिशियल दिया, u इज इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पे 15 मीटर पर सेकंड, और यहां पे टाइम कितना दिया गया है 10 सेकंड। तो यहां से हम अगर निकालना चाहें, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन v, इनिशियल और फाइनल दे रखे टाइम, इनिशियल फाइनल और टाइम का रिलेशन के साथ एक्सेलरेशन ये है। तो यहां से हम निकालेंगे, अगर हम यहां पे v और u की वैल्यू रखें, v कितनी है यहां पे 15 इज इक्वल टू यू 0 प्लस ए कितना है यहाँ पे आपको पता करना है, और टाइम कितना है 10। तो यहां से ए को इस साइड रखोगे उस साइड चला जाएगा, ए इज इक्वल टू 15/10, दैट इज कम्स आउट टू बी ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से आपकी एक्सेलरेशन आ गई। कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्सेलरेशन तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ये निकाल दी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बताओ, हमारे पास अब एक्सेलरेशन आ चुकी है, अगर आपको एक्सेलरेशन की जरूरत, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी, लेकिन दोनों फॉर्मूलाज में हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। आप देखो, हमें एक्सेलरेशन निकालना मस्ट हो गया, क्योंकि तीनों में एक्सेलरेशन है। अगर हमें एक्सेलरेशन यहां से निकल जाती है तो हम यहां से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 0 से 15 मीटर सेकंड पर सेकंड, 10 सेकंड में पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहां पे अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, आप जिसका चाहो। मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको कि v का स्क्वायर, v कितना यहां पे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस वहां पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय a 1.5 इनटू s, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, s ही निकालना है, s इज इक्वल टू 15/15 225 डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू 3, ठीक है 3 आ गया है। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 21 और 3 5 15, तो ये क्या आ गया 75 मीटर, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू जो है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप 3.0 आ जाएगी, तो 75 मीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका यूज करेंगे। अब हम इसके बजाय थर्ड का यूज करते हैं, अगर हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, यहां पे कर देते हैं थर्ड फॉर्मूले का अगर हम यूज करें, तो s निकालना है इज इक्वल टू यू टी 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यहां पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय a, कितना आया हमारा 1.5 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, t कितना है 10 का स्क्वायर। यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 10
मल्टीप्लाई बाय 10 इनटू 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल, और इसको अगर हम यहां पे कैंसिल करेंगे 2, ये 5 पे गया, 15 गुना 5 कितना हो गया 75 मीटर, ठीक है। तो यहां से भी हमारी s आ गई जो 75 मीटर आ गई। तो आप देख सकते हो यहां पे हमने जो निकाली वो भी 75 आई, और यहां पे जो हमने निकाली वो भी 75 आई। तो यहां पे हमारा बेसिकली पर्पस क्या है कि हमें नेसेसरी नीड किसकी थी, एक्सेलरेशन की। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया, एक इक्वेशन का यूज करके हम दूसरी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, या फिर हमें डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। ये सब तीन इक्वेशन है जो आपको डायरेक्टली इनकी इनके बारे में बता सकते हैं, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी। अब इन चीजों के बाद हम क्या करते हैं कि हम इनकी बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने सीखी थी, क्या था, हमने बात की थी कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, या फिर बैकवर्ड होती है, या फॉरवर्ड होती है, या अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, ये सारी इक्वेशन हमने सीख ली कि अपवर्ड है या बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, क्योंकि कार की बात करते हैं, वन एक्सिस पे बात करते हैं। लेकिन हमने अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं की कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंक दें तब क्या होगा, तब वो कैसे आएगी नीचे, क्यों आएगी, क्या उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंस आपको जानना जरूरी है। वो चीजें किस तरह से आएंगी, अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, अगर बॉल को ऊपर फेंकते हो डेफिनेटली नीचे आएगी और वह बैकवर्ड मोशन करेगी, हमने फॉरवर्ड की ऊपर, लेकिन वो नीचे डाउनवर्ड मोशन करेगी। वो डाउनवर्ड मोशन किस वजह से करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अपने आप डाउनवर्ड मोशन करेगी, अगर हम रेजिस्टेंस को छोड़ दें, अगर कोई बॉडी हमने ऊपर फेंकी, कोई बाल है हमने ऊपर फेंक दी, ठीक है, ऊपर गई है, यहां पहुंचते ही ये वापस नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भूल जाएं, एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें हम यहां पे, तो ये डाउनवर्ड आएगी, तो इसको, इस बॉडी को डाउनवर्ड आने को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। और ये फ्री फॉल किस वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है। इसके बारे में भी आप पुल चैप्टर पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, उसमें क्या है कि एक जो मासीज है, दो मासीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो बड़ा मास होगा वो छोटे मास को अपने अपने पास ले आएगा। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का वेट बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो इस वजह से ये छोटी जैसे बॉल है वो अपनी तरफ खींच लेगा। ये भी आपको एक ध्यान रखना होगा कि अगर हम कोई भी बाल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है वो इतनी डिस्टेंस कि अर्थ का जो रेडियस है उससे कम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट मोशन करेगी, और उसको हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। और अगर हम ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फ्री फॉल होता है उस वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं और फिर वो बाद में नीचे की तरफ मूव करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या मोशन आएंगे। आपको पता है जब हम बॉल फेंकते हैं तो ऊपर जाके एक बार रुकती है, जीरो हो जाती है, उसकी वेलोसिटी फिर डाउनवर्ड आती है। तो हम बात करेंगे जब वो ऊपर पोजिशन से नीचे आना स्टार्ट करती है, अपने आप जीरो होके फिर डाउनवर्ड आती है, तब उसकी मोशन कैसे होती है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें हम इसके अभी इसमें सीखेंगे। अब क्या है कि ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, v इक्वल टू ut, मैं इनको हटाता नहीं हूं, इनको यहीं पे रखता हूं ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे, क्योंकि ये जब ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण इन इक्वेशंस में क्या चेंज आएगा। अब हम मानते हैं कोई बॉल है यहां से गिरी यहां पे, ये है अर्थ सरफेस, ठीक है, इसका टाइम मान लो इसने लिया t सेकंड नीचे आने में, यहां तक, यहां पे इसका t इज इक्वल टू t मान लो इसको, ठीक है, या फिर t1 कुछ भी कह दो, ये नीचे ट्रेवल कर रही है, ये बॉल है, नीचे आ रही है, नीचे आएगी,
तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो वो लगेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये अर्थ का फोर्स है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है इसकी ग्रेविटी के कारण। इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे आप। यहां पे क्या है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे इसकी वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं वो जीरो है, ठीक है, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहां पे अगर इसकी बात करें फाइनल वेलोसिटी वी है। हम इसकी बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वी है। अब मान लो यहां पे इसकी डिस्टेंस वाई मान लेते हैं, वो जीरो थी और यहां पे पहुंच के वाई इज इक्वल टू वाई होगी, मतलब वाई इज इक्वल टू वाई ही मान लो कि डिस्टेंस उसकी क्या होगी वाई, क्योंकि ये हमने एक्स एक्सिस इसको मानना है, ये ऐसे x एक्सिस मानते हैं हम, अपवर्ड डाउनवर्ड को हमेशा y एक्सिस मानते हैं, तो ये डाउनवर्ड आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड मोशन, इसका मतलब ये जी है जो ये -9.8 होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है डाउनवर्ड मोशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब ये टाइम यहां पे क्या था, टाइम यहां पे था जीरो और यहां पे हो गया टी, मतलब कुछ सेकंड होगी, कुछ भी लगा लो, कितना टाइम लगा लो। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है v, यहां पे v है तो हम इसको v ही लिखेंगे, v इज इक्वल टू u, यहां पे क्या है जीरो, जीरो प्लस a कितना है माइनस g, या फिर आप इसको कह सकते हो -9.8, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो g t, ठीक है। अब इसको v इज इक्वल टू -9.8 t, ये आपका रिलेशन आ गया। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है एक्सेलरेशन से तो -9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी किसी भी पॉइंट, अगर टाइम दिया है आपके पास तो एक्सेलरेशन आपको पता है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट निकालने की, डिस्प्लेसमेंट ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो हमने निकाल ली, अब इस सेकंड इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं v का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है जीरो प्लस 2 इनटू a कितना है यहां पे g मल्टीप्लाई बाय s, ये ऐसे लिखोगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू -9.8 मल्टीप्लाई बाय s कितना है, यहां पे जीरो था और s जो फाइनल है, s क्या था डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो y माइनस जीरो क्या हो गया y, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने y, तो यहां पे हम y लिख देंगे, तो ये 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 -19.6 y, तो ये सेकंड रिलेशन आ गया। अगर आप देखोगे तो यहां पे सेकंड रिलेशन क्या आता है v का स्क्वायर, ये चेंज हो गया ना रिलेशन इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फिक्स हो गई, ये कांस्टेंट है, ये किसकी केस में आपको ध्यान रखना है, ये हम कर रहे हैं फ्री फॉल, जब हम यहां के फ्रिक्शन को छोड़ रहे हैं और वो फ्री ऑफ फॉल अंडर द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल हो रही है, तो उसके 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 इसमें हम ये चीजें ले रहे हैं रिस्पेक्ट में कि ये कैसे चेंज होगी। अब बात आती है हमारी थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस r at स्क्वायर, s क्या है फाइन डिस्प्लेसमेंट, y जो यहां से आया y इज इक्वल टू ut 0 इनटू t प्लस हाफ at माइनस, आप माइनस की बजाय यहां पे g ही लिखो gt स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू -1/2 इनटू माइनस नहीं, यहां पे प्लस ही लगाओ क्योंकि यहां पे आप -9.8 लिखोगे या t का स्क्वायर, यहां पे आ गया y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 4.9 -4.9 t स्क्वायर, ये रिलेशन आपका y की वैल्यू, यहां से आपकी y इज इक्वल टू 4.9 इनटू t का स्क्वायर, यहां से आपकी जो वैल्यू आ गई है उसको आप देख सकते हो कि 4.8
माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। तो यहां से हमने ये इक्वेशन को इन इक्वेशन को फ्री फॉल के अंदर तीन इक्वेशन में चेंज कर दिया, दैट इज दिस दिस एंड दिस थ्री इक्वेशन। आप इनको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको उन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इनको ही याद कर लो। लेकिन अगर आपको ये चीजें याद नहीं होती हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है ये इक्वेशन याद रखनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा पोजीशन मतलब फिजिक्स का यूज करना है, फिजिक्स का यूज करके ये इक्वेशन का यूज करके ये चीजें बना लेनी है और उनसे फिर अब फ्री फॉल करवा सकते हैं बॉडी का कि फ्री फॉल में जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होके वाई होता है, तो वो वाई की वैल्यू जितनी भी है अगर 10 मीटर पे कोई बॉडी गिरती है तो अगर कोई पूछे 10 मीटर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर एक हम एग्जांपल लें, अगर कोई बॉडी यहां से ही यहां तक की डिस्टेंस इसकी 10 मीटर है तो कोई हमसे पूछे कि 10 सेकंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, क्योंकि वाई की वैल्यू 10 मीटर हो गई। अगर हम वाई की वैल्यू v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टाइम यहां पे y की वैल्यू भी ना लें, t से टाइम से भी निकाल दे सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो v इज इक्वल टू माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो माइनस क्या होगा 98, ठीक है, मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड मोशन, यहां पे माइनस क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड मोशन। तो यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो वो क्या निकल जाएगी, v इज इक्वल टू माइनस 98 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डाउनवर्ड मोशन। तो यहां पे हमने सीखा कि फ्री फॉल के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कैसे चेंज हो जाती है। अगर बात करें कि इनका पोजीशन टाइम ग्राफ और अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उनकी चीजों की बात करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उनके बारे में क्या कैसा ग्राफ बनेगा आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। हमने ये चीजें तो देख ली कि कैसे मोशन होती है, कैसे चीजें चेंज होती हैं। अगर हम यहां पे देखें कि पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करें, पोजीशन टाइम क्या है, सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती है इसमें देखने की बजाय यहां पर देखो एक्सेलरेशन और टाइम का कोई रिलेशन कहीं पर दे रखा हो, ये वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन के साथ, ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की तो अगर हम बात करें क्योंकि एक्सेलरेशन तो फिक्स रहेगी, आपको पता टाइम इंक्रीज होता रहे, एक्सेलरेशन 9 पॉइंट फिक्स है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन उतनी ही रहेगी, पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये एक्सिस ऊपर की बजाय है, एक्सिस आपको ऐसे बनाने होंगे, ये टाइम का है और अगर हम देखें ये एक्सेलरेशन का है तो माइनस एक्सेलरेशन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की और टाइम की अगर हम ग्राफ बनाएं वो हो जाएगा कांस्टेंट, दैट इज गिवन बाय दिस। अगर यहां पे देखें वेलोसिटी और टाइम का डायरेक्टली रिलेशन है, एक्सेलरेशन का देख लिया, अगर हम वेलोसिटी भी नेगेटिव आती है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ली जाएगी, उसका भी हम नेगेटिव लेंगे, ये वेलोसिटी है जैसे क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। आप देखो अगर इनका रिलेशन डायरेक्ट है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो यहां पे v इंक्रीज होगा तो t इंक्रीज होगा, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसे होगी। लेकिन आप देखो t जीरो पे v जीरो है और लेकिन मल्टीप्लाइड 98 है, तो ये बिल्कुल सेंटर में मूव ना करके इसका स्लोप चेंज हो जाएगा कि यहां की जो स्लोप है वो थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपका मतलब इसका मतलब अगर आप ये एक्सेल पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ देखें वो बिल्कुल सेंटर से जाएगा, और अगर हम पोजीशन की बात करें टाइम के साथ, पोजीशन टाइम के साथ स्क्वायर मॉडुली में है, अगर कोई स्क्वायर का ग्राफ बनता है तो वो हमेशा ऐसा होता है कि एकदम से ऐसे बढ़ता है। तो अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखें, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, यहां पे लगा देता हूं मैं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ देखें फ्री फॉल के अंदर, ये मान लो एक्स है क्योंकि ये भी डायरेक्शन नेगेटिव है और ये टाइम टी है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा हमारा
वो पहले तो स्मूथली मूव करेगा लेकिन बाद में वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसा कि आप थर्ड इक्वेशन से समझ सकते हो। पहली इक्वेशन जैसे देती है एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टाइम के साथ। दूसरी रिलेशन हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के, अगर यहां से देखें हम टाइम का वेलोसिटी के साथ ग्राफ देख सकते हैं। और थर्ड जो ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट का देखना था, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछे जाते हैं इनके बारे में। अगर आपको पता करना ये सब चीजें, आपको सिंपल फंडा है, एक चीज समझ जाओ सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एक चीज ना समझ आई सारी चीजें वापस रिपीट हो जाएंगी। देखो इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस था और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट था, उससे इंटर रिलेटेड सारा चैप्टर है। अगर आपको पहला ही पॉइंट समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वो चीजें देख लें, उन दो चीजों को दोबारा समझ लें, क्योंकि आगे की आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एक भी चैप्टर का ये पहला पॉइंट समझ आ गया तो उसके बाद बारी बारी बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर दी, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ये है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट आता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या कहते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है कि हम कोई ब्रेक लगाएं और कोई चीज रुक जाए उसको क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर कोई कार है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है। अगर कार के अंदर हम बैठते हैं तो अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वो कितनी दूर तक रुक जाती है, तो वो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। अगर हमारे सामने एकदम से कुछ भी आ जाता है, इस कार के सामने मान लो कुत्ता आ गया, अब कुत्ते को देखते ही हमने क्या किया, ब्रेक लगाए। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक लगाना जो हमारा बॉडी है जितनी देर में रिएक्ट करती है उसको क्या कहते हैं हम, रिस्पॉन्स टाइम। ये वैसे एक सिंपल, अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि सिंपल कार को ब्रेक लगाना ही हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है। कि वो कितनी देर, वो डिपेंड करेगा कार के ब्रेक्स पे, रोड पे, वो सब चीजें अलग चीजें फैक्टर, बट समझना होगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है। अगर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज्यादा हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे और उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उतनी ही उसको डीएक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। अगर हम बात करें हमारी इक्वेशन v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, अगर हमें v का स्क्वायर, अगर हमें ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है s, s क्या है, मान लो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको स्टॉप करना है, या इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ भी थी और फाइनल हमें जीरो लेके आनी पड़ेगी क्योंकि स्टॉप तो तभी होगी। अब v का स्क्वायर उतना ही रहेगा, u का स्क्वायर जीरो होगा क्योंकि जब कोई कार रुकेगी, रुक गई कार तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी v है जो वो जीरो हो गई, u का स्क्वायर जितनी से चल रही थी वो चल रही थी, प्लस 2as, ठीक है। यहां से अगर हम s की वैल्यू निकाल लें u का स्क्वायर बाय 2a, तो ये क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। sd लिख देते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। अगर ज्यादा स्पीड से भाग रही है तो उतना ही हमें ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगी। अगर धीरे धीरे चलती है जल्दी रुक जाएगी, अगर तेज चल रही है, सेम ब्रेक है, मान लो ब्रेक सिस्टम रोड सेम है, अगर स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम ये चीजें भी देख सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे डिफाइन होती है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम, वो क्या होता है कि किसी भी कार को रोकने के लिए हम रिस्पॉन्स टाइम कितना लगाते हैं, वो एक रिस्पॉन्स टाइम है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव मतलब रिलेशन,
वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, सिंपल। अगर हम इसको सिंपल फिजिक्स की भाषा की जनरल लाइफ में समझें कि एक एक कार ऐसे चल रही है, दूसरी कार ऐसे चल रही है, एक दूसरे के सापेक्ष मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी तेज चल रही है, कौन सी कम चल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो हम देखते हैं, मान लो एक यहां पे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ये दो कारें जा रही हैं उस साइड, ये मान लो कुछ स्पीड से इसकी v है और इसकी v1 है और इसकी v2 है, मैं कहूंगा कि ये ज्यादा तेज है। मान लो v1 ज्यादा है तो v2 से, तो मैं कहूंगा कि v1 ज्यादा तेज भाग रही थी, v2 कम तेज भाग रही थी, तो इसका मतलब v1 उससे आगे निकल जाएगी। अगर यही बात मैं ग्राउंड की बजाय एक कार में बैठ के कहूं, इस कार में बैठ के कहूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये कार मेरे से कम चल रही थी या मेरे से ज्यादा चल रही थी, तो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी कि इसके सापेक्ष कितनी स्पीड से चल रही थी। मान लो यहां पे ये 20 की स्पीड से चल रही है, इसके बारे में रिलेशन भी चाहिए, और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। मैं अगर यहां से देखूंगा तो मैं कहूंगा ये 10 की से चल रही है और ये 20 की से चल रही है, लेकिन अगर मैं इस कार के अंदर बैठा हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे से 10 ज्यादा चल रही है। कहने का मतलब अगर हम भगा दोनों चलते रहे तो ये मेरे से 10 मीटर सेकंड की स्पीड से आगे निकलेगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वाली आगे निकल जाएगी और ये वाली पीछे रह जाएगी। इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो डिपेंड करती है कि एक दूसरे के सापेक्ष, अगर हम इसमें बैठे हैं, अगर हम इसमें बैठे हैं तो ये मेरे से पीछे रह जाएगी, अगर हम इसमें बैठे हैं तो ये मेरे से आगे निकल जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड कि एक कार दूसरी कार के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रही है। ये तो हमारा हो गया कि रिलेटिव स्पीड का एक जनरल चीज। अगर हम बात करें, दो कारें हैं, ये ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी कार है मान लो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका वो पॉइंट है। जब टाइम क्या था, हम टाइम को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जीरो। अगर टाइम जीरो था, मान लो अब ये मूव करती है, ये ऐसे मूव करती है और ये भी ऐसे मूव करती है, ये मूव करती है वेलोसिटी वी से और ये मूव करती है वेलोसिटी V1 से और VA से और ये वेलोसिटी VB से। अगर ये मूव करेगी वेलोसिटी VA से और ये वेलोसिटी VB से, तो हमारा जो रिलेशन था कि टाइम T के बाद, मान लो टाइम T के बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो हम निकालें कि वो कहां पे पहुंच जाएंगी एक दूसरे के सापेक्ष। तो अगर हम वो निकाल लेंगे इक्वल टू टाइम T पे और x और एक्स ए, अगर कहें हम इसको, और एक्स बी इज इक्वल टू टाइम टी पे अगर हम इसको कहें, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां तक हम देखते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो यहां से एक्स अगर हम निकालें, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा रिलेशन आ जाता है हमारा ट्रेवल इन टाइम टी में। अब हम क्या कहते हैं, जो उसका फाइनल टाइम है, ये जीरो पे डिस्टेंस था, मान लो हमने इसको एक्स ए की बजाय एक्स दे दिया, एक्स ए, तो इसको एक्स बी कह देते हैं, एक्स बी, एक्स ए जीरो पे और एक्स ए टी टाइम पे, एक्स बी टी टाइम पे। तो हम इसका इक्वेशन का यूज करके हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि हमें पता है एक्स, अगर हमें फाइनल डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल तो मान लो कुछ भी था, उसमें फाइनल निकालना है, तो इनिशियल में वो डिस्टेंस से जो टाइम ट्रेवल किया वो जुड़ जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा। अगर हमें एक्स ए टी निकालना है टाइम टी पे, तो एक्स जो एक के द्वारा ट्रेवल किया गया था जीरो टाइम, जीरो जीरो पे थे जब वो, प्लस वेलोसिटी कितनी है इसकी, इसकी वेलोसिटी है वी ए और टाइम कितना लिया टी। और सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, टाइम टी एक्स बी, तो एक्स बी पे जीरो पे जो उसकी डिस्टेंस थी, अगर हमने इसको ऐसे ओरिजिन मान लिया है, मान लो ये एक्स ए थी यहां तक और ये एक्स बी थी यहां की डिस्टेंस,
तो अगर हम बात करें कि B की डिस्टेंस ये थी और ये यहां से यहां तक की x a थी डिस्टेंस, अगर हम बात करें तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, अगर हम B पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट है जो x b थी और ये डिस्प्लेसमेंट है जो x a थी, x a को हम इनिशियल प्लस जो टोटल यहां से यहां तक ट्रेवल की क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो vb इनटू टाइम t। आप यहां से दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रिलेटिव स्पीड क्या है, कि va vb से किस तरह से रिलेटेड है, अगर x a x b से कितनी डिस्टेंस है, और तो हम क्या करेंगे अगर हमें पता चल जाए x a और x b का क्या डिफरेंस है, तो हम बता पाएंगे कि वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है। अब हम इस फॉर्मूले का हमने यूज कर दिया, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 करो, 2 में से 1 कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा इसमें और इसमें जो ये डिफरेंस है वो कितना है और वो वेलोसिटी से किस तरह से रिलेटेड है, xbt माइनस xat। तो यहां पे इसमें से ये करेंगे xb 0 माइनस xa 0 और दूसरा माइनस क्या होगा vbt माइनस vat। तो यहां से हम t कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, तो यहां पे हम इसको अंदर माइनस निकाल देंगे क्योंकि va माइनस vb इनटू t ये आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों में से डिफरेंस हो रहा है, ये दोनों में से डिफरेंस हो रहा है, तो सिमिलरली जो वेलोसिटी थी, जो यहां पे जो हमने रिलेशन लिखा था, वेलोसिटी भी एक दूसरे में से डिफरेंस हो रही है, और यही क्या है जो ये डिफरेंस है इन वेलोसिटी में, यही रिलेटिव वेलोसिटी है कि एक में दूसरी से कितनी वेलोसिटी डिफरेंस है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, आ गया समझ कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है इनिशियल में फाइनल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से देख रहे हैं ये, अगर दोनों का आपस का डिफरेंस आ जाए तो वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम अगर शॉर्ट नोटेशन में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, अब हमें ये समझ आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, vab। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अभी जो निकाली है हमने बी की निकाली है विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बी हमारा आगे निकल गया था और ए हमारा पीछे था, तो वीबी वीबी माइनस वीए, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के सापेक्ष, ए अगर हम बी में से देख रहे हैं ए की वेलोसिटी, तो वो कितनी आगे पीछे हो रही है हम वो देख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम ए को देख रहे, बी को देख रहे हैं, ए में से ए वेलोसिटी ऑफ बी, बी मूव कर रही है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, मतलब इसकी पूरी वेलोसिटी है उसमें से इसकी कम कर दो तो पता चल जाएगा वो कितनी आगे निकलेगी या कितनी पीछे रहेगी। तो यही है, तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, कि ए कैसे मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू बी से, तो वी ए में से माइनस वी बी कर दो। अगर हम यहां पे देखें तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, ये एक रिलेशन बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब बात ये आती है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी सीख ली कि वेलोसिटी क्या होगी, वी बी माइनस VA क्या होगा, VAB is equal to VA minus BB हो जाएगा। अगर हम मैं बात करूं, कोई हमसे पूछे कि दो कार चल रही हैं, एक आगे निकल जा रही, कौन सी आगे निकलेगी कौन सी पीछे रह जाएगी, सबसे बड़ी बात अगर वो कारें सेम लाइन में चल रही हैं, मान लो सेम लाइन में चल रही है इसकी और इनिशियल पॉइंट उनका सेम है, अब इनिशियल पॉइंट सेम मान लेते हैं क्योंकि जीरो जीरो ही मान लेते हैं, हमने मान लिया था फॉर्मूले में, अगर इनिशियल पॉइंट उनका जीरो है, अगर वो सेम वेलोसिटी से चल रही, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो ये VA से चल रही है VB से चल रही है, तो यहां पे तीन केस हो सकते हैं कि VA है जो VA VB से ज्यादा हो, क्या हो सकता है, अगर VA VB से ज्यादा है तो क्या होगा, VA वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगी,
वो जो आएगी पॉजिटिव आएगी तो वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा आ जाएगी। तो वी पहला केस अगर हम देखें, पहला अगर केस हम देखें वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, अगर हम बात करें तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो जो ए है, जो हम वी ए बी ए वेलोसिटी ऑफ वे विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी ए इससे आगे निकल रहा है, ठीक है, अगर हम निकालने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर हम बात करें वी ए और वी बी की, अगर ये वेलोसिटी सेम है, अगर हम बात करें वेलोसिटी दोनों सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, ऐसे कर देते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर वी ए बी जीरो आ जाएगा तो वो एक दूसरे के क्या चलेंगी, ये यहां पे पहुंची तो ये यहां पे पहुंच जाएगी, अगर ये यहां पे पहुंची तो ये यहां पे पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब एक दूसरे के वो पैरेलल चलेंगी, उनकी आपस की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन भी उसी को साइड में है वो, और सेम स्पीड से चल रही हो, तो हमें लगेगा कि दोनों ट्रेनें रेस्ट पे हैं, चल नहीं रही, दूसरी भी नहीं मूव कर रही, हमारी भी नहीं मूव कर रही। अगर कोई सी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो आगे निकल जाएगी और जिस ट्रेन की स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगी। तो ये रिलेशन है इसमें। तो जहां पे बात करें वी ए बी की, वो जीरो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम, ये तो था हमारा पॉइंट, हमने क्या निकाला एक्स बी टाइम टी माइनस एक्स ए टाइम टी पे क्या हुआ, एक्स बी जीरो माइनस एक्स बी जीरो एक्स ए जीरो प्लस वी बी माइनस वी ए एट टाइम टी, ये हमने रिलेशन निकाला। अगर हम, हमने अभी कह दिया कि दोनों सेम है तो ये फैक्टर हमारा अभी जीरो हो गया था रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनिशियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, अगर ये कार यहां पे है, आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी यहां से चली तो इसकी स्पीड अगर ज्यादा थी तो वो कब क्रॉस करेगी, वो हम निकाल सकते हैं कि यहां से इनिशियल दे दो, उसकी इनिशियल दे दो और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, ए बी किससे मूव कर रहे हैं और टाइम टी पूछा है, तो हम बता सकते हैं कि, तो हम बता सकते हैं कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम टी के बाद होगा वो इतनी एक दूसरे से दूर होगी। अगर ये कोई कहता है कि वो बराबर कब आएंगी, तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम, प्लस वी बी माइनस वी ए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मान लो कोई कार है यहां से चली, ठीक है, यहां पे मान लो हमने ओरिजिन, ये वाई एक्सिस मान लिया और ये ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये यहां से कोई कार चली, यहां पे उसकी डिस्टेंस थी जीरो, ठीक है, यहां से चली वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, यहां से चली और दूसरी कार यहां की बजाय यहां से चली और उसकी स्पीड थी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इनिशियल उसकी मान लो वो 4 मीटर डिस्टेंस पहले 4 मीटर डिस्टेंस और टाइम टी जीरो पे चली, दोनों को स्टार्ट कर दिया गया एकदम से, लेकिन वो 10 की स्पीड से, सॉरी ये, सॉरी ये 10 की बजाय इसको आप 12 की जाए, क्योंकि ये तो आगे निकल जाएगी, फिर इसको 8 मीटर कम की स्पीड करोगे तभी तो ये क्रॉस कर पाएगी ना, क्योंकि ये पीछे है। तो यहां पे कोई कार थी वो 8 की से स्पीड से चली और वो 10 की से, समझ आ रही है कि यहां जो ज्यादा चल रही थी, अब हमें बताना है कि वो किस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट करेंगी। कहने का मतलब जो फाइनल डिस्टेंस है उनके बीच, अब जो डिस्टेंस जो 4 मीटर की है वो डिस्टेंस उनकी जीरो रह जाएगी। कहने का मतलब एक्स टी माइनस एक्स 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 ए टी माइनस एक्स बी टी वो क्या रह जाएगी, अगर आप इसको बी मानते हो और इसको ए मानते हो तो ये बी टी माइनस ए टी ऐसे लिख सकते हो, एक्स बी और एक्स टी के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो रह जाना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाए, यहां पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इनिशियल इसकी जीरो है, इसकी 4 मीटर है, तो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे ये कितना रह जाना चाहिए, ये रह जाना चाहिए कितना,
कि वो रिलेटिव स्पीड उनकी क्या है, ये तो नहीं पूछ रहा, कि वो टाइम पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगी अगर हम उसको ऐसे मूव करवाएंगे, किस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ जाके वो किस टाइम पे एक दूसरे के साथ उनकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो यहां पे जो ये है ये हमें जीरो चाहिए, इज इक्वल टू ये क्या है 4। और जो रिलेटिव वेलोसिटी की बात है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, vb माइनस va, vb कितना है, vb 10 है, 10 माइनस यहां पे 10 माइनस vb माइनस va कितना आ जाएगा, va इज इक्वल टू 8। तो यहां से अगर हम बात करते हैं क्या है xb t माइनस xa t, यहां पे जो हमने फॉर्मूला निकाला है, सॉरी यहां पे t था, ये मिस्टेक्स रह गई क्योंकि vb माइनस va मल्टीप्लाई बाय t, तो यहां पे t आ जाएगा। तो यहां से ये तो वैल्यू हमारी जीरो आ गई, ये मिस्टेक्स हो गई थी कि यहां पे हमने t नहीं लगाया, तो मैं सोच रहा था कि t कहां गया, तो t यहां पे था क्योंकि हमने लिखा था। तो t की वैल्यू हमें निकालनी है कि टाइम कितना होगा, इसको इस साइड ले आओ, माइनस 4 और ये क्या हो गया 10 माइनस 8। तो vb, जो vb क्या है, vb 4 है, देखो vb क्या है, ये 0 पे था, ये 4 पे था, vb भी माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 0 है और ये माइनस 4, तो माइनस 4 आ जाएगा, वो इस साइड आएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 2, तो 2 से 2, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद जो वो वैल्यू होगी, जो टाइम t 2 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, दैट्स, क्योंकि ये 4 मीटर से चली थी, तो ये xa था, जो ये 4 मीटर, जो xa था वो 4 मीटर था, और यहां पे vb माइनस va, तो vb क्या है 0, तो xa जो 0 पे था वो 4 था, तो यहां पे 4 माइनस का आ जाएगा, तो यहां से आपको वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकंड मिल जाएगी। ये सिंपल एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी का। तो आपने यहां पे देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत से क्वेश्चन होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के हम बहुत बार करते हैं, तो हम यहां से सीख सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम देखें हमारी ट्रेनें जाती हैं, हम कई बार नीचे से खड़े होकर देखते हैं, हमें मूव करती हुई ट्रेन दिखते हैं, हमें लगता है कि ट्रेन बैकवर्ड जा रही है लेकिन कोई ट्रेन हमसे आगे निकल रही होती है, हमें लगता है कि हमारी ट्रेन वहीं खड़ी है लेकिन साइड वाली ट्रेन हमसे आगे जा रही है, तो लेकिन वो साइड वाली खड़ी होती है, तो वो किस वजह से होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। तो ये सब जो पॉइंट थे कि वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, इसके बारे में हमने सीख लिया कि मोशन कैसे हो सकती है, उसकी रिलेटिव मोशन कर ली, फ्री फॉल कर लिया, तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पूरी की है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हम एक एक्सिस पे देख रहे हैं सारी चीजें। अगर कार मूव कर रही है तो एक लाइन में मूव कर रही है, अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है, कुछ भी मूव कर रहा है, तो हमें उसे एक लाइन में देखना है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में मोशन इन प्लेन, हम वहां पे टू एक्सिस में चलेंगे और वहां पे हमारा यूज होगा वेक्टर क्वांटिटी का, और एक्स और वाई एक्सिस दोनों का यूज होगा, तो वहां पे हम देखेंगे कैसे कैसे प्लेन के अंदर चीजें